ये बताएं। 200 MB होगी, 200-300 MB होगी। चलो कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है एसिड। एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है? आपको उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी। नहीं पता सर, वो डिस्प्लेसमेंट की पूरी सीरीज सर, बोल। डिस्प्लेसमेंट यस सर, तो यूज होती है सर, जो बहुत बड़ी वाली सीरीज सर, जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से बनाता है और क्लास में तिरछा। बताया है, क्लास में बताया तुम्हारे मैंने। तब लिथियम पोटेशियम वाली सीरीज की बात कर रहे हो? हाँ हाँ बताइए क्लास में। यस सर, 8th में तो बताया। 8th में नहीं, 9th में बताया? नहीं बता नहीं सर आपने। सर बताया था, बताई थी आपने सर, जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा रहे थे तब आपने थोड़ा बताया था पूरे। तब आपने हल्का सा बताया था, थोड़ा सा बताया था सर, लेकिन एट में पढ़ा है ये पूरा, सर 8th और 7th में पढ़ा है। 8th में अच्छी तरह पढ़ा है। यस सर। सर आई थिंक पीटी सबसे आखिरी में आता है और उससे पहले एयू या एजी सर, एयू पीटी के पहले आता है। नहीं भैया इतना ज्ञान नहीं। एयू प्लैटिनम के बाद रहे। देखो वैसे तो मैंने कुछ भी लिखा है इधर, मतलब कुछ मीनिंग नहीं है लेकिन कुछ भी लिखा है, लेकिन हमने याद तो ऐसे ही किया है तो क्योंकि हमें ये वर्ड्स याद हो गए इसलिए मुझे याद है ये सीरीज, और लिखा हमने कुछ भी है, अगर तुम्हें तो याद हो सके तो ठीक है, नहीं तो कुछ अगर यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं तो आप देख सकते हो उनकी उनके तरीके से, अगर अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे याद हो जाए तो और अच्छा है। हमने तो ऐसे याद किया है, मतलब कुछ भी किया है इसमें। सर आप एक बार स्पेल कर दोगे पूरे को? शायद लिखबा सकाना मंगल मंजन, यहां पर क्रोमियम था, सरफेस सर्कोनीसन, फिर पीबी है नीचे वाली, कुछ गलत बात है हम नहीं बोल सकते, तो पी हाइड्रोजन के बाद याद रख लेना, और कॉपर FgAg PtAu कुछ अपनी तरह से याद किया। आदित्य अग्रवाल तुम तो बोल ही सकते हो ना, कैसा याद है? सुनाओ। लीक वा सरकाना मंगल मंजन सल्फेट हाइड्रोनिशन पीवी हाइड्रोजन और फिर कॉपर सिल्वर नहीं कॉपर मर्करी। देख लो स्क्रीन पे, देख लो क्या दिक्कत, देखो सुनाओ। चाहे एक एलिमेंट का सुनाओ, एलिमेंट स्टार्ट से सुनाओ। लिथियम पोटेशियम बारेलियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक और SR और आयरन और CD। सर इनके पता नहीं है तो सर SR तो बहुत ऊपर आता है। ठीक है थोड़ा बहुत होता है, दो चार अगर एक आध नहीं पता, CD वगैरह के एग्जांपल नहीं होते बहुत ज्यादा, तो आपको केवल वही ज्यादा याद करने हैं जिनके एग्जांपल आते रहते हैं, लगातार आप कंपाउंड देखते रहते हो। ठीक है तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहली खासियत यह है,
कि इस केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, इस बात का पता कुछ ऐसे लगाया जा सकता है कि हमने बार बार आपकी क्लास में बोलने की कोशिश जरूर की होगी कि सोने के आभूषण इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इम्प्योरिटी बहुत कम उस पर जमा हो पाती है, डस्ट को वो कंज्यूम नहीं करता, फर्जी रिएक्शन नहीं देता, इसकी वजह से वो अच्छा खासा एक मेटल माना जाता है और वो इधर उधर की रिएक्शन नोबल मेटल हाँ नहीं करता इधर उधर की रिएक्शन। और आप जैसे ही इस केमिकल सीरीज को देखोगे आप इस बात को दिमाग में रखोगे सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है और उल्टा हो रहा है कुछ ऐसा से तो आप नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात यह है, इतना तो समझ में आया होगा ना सर, आप एक बार ऊपर कर दो। चलो लिखो भैया, इसको लिखो तुम, इसको लिखो तुम, पहले लिखो, लिख लिया सबसे पहली बात, जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आएगा या ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहली बात, मतलब लिथियम अगर सबसे ऊपर है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आदित्य अग्रवाल, क्या तुम एलैबोरेट कर सकते हो क्या क्या बातें इसके बारे में तुम्हें पता है? मतलब इससे सर हमें ये पता चलता है अगर नीचे वाले मेटल का कोई भी मेटल सॉल्ट है तो नहीं, वाला क्या, क्या 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 पोस्टुलेट्स हैं इसके, क्या क्या बातें हैं इसमें? चलो एक तो नीचे से ऊपर तक रिएक्टिविटी बढ़ रही है, फिर और सर एक मैं बताऊं सर, हाइड्रोजन को रखा गया है हाइड्रोजन से मतलब कंपेयर करने के लिए, हाइड्रोजन के नीचे वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और ऊपर वाले कर जाएंगे। और तुम लोग क्या बारिश नहीं हो रही है क्या? नहीं सर, बूंदाबांदी हो रही है क्या यार, मजाक करते हो तुम, कैसे चल रहे हो? अरे सर सच में मेरी बूंदाबांदी हो रही है, मैंने ऐसे बोल दिया तुम्हारे यहाँ बारिश में एक बूंद भी नहीं गिर रही, यही उम्मीद थी तुमसे। खिड़की खोल रहे सर, अभी आप गड्ढे में ही हो ना? अरे मैं तो शिखर ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे कहाँ बारिश हो रही है? वो तो मैंने पूछने के लिए बोला, कुछ लोग इसमें भी तैयार हो गए, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर एलिमेंट आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। दूसरी बात यह है कि जो एलिमेंट ऊपर आएगा वो नीचे वाले के सॉल्ट में से उस पार्टिकुलर एलिमेंट को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकता है। मैं आपको कुछ यहाँ पर कलाबाजी करने की कोशिश करता हूँ, देखना एक बार। जैसे मान लो ये KCl है, ठीक है, अब KCl है, अगर इसको रिएक्शन करोगे आप Li के साथ तो ये Li को, ये KCl जो होता है इसमें से पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा Li और LiCl बन जाएगा और K इसको डिस्प्लेस कर देगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इसने पोटेशियम को रिड्यूस किया है, मतलब कि उसकी पॉजिटिव चार्ज को जीरो में लेके गया। ध्यान से अगर आप इस रिएक्शन को देख पा रहे हो, यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ होते हैं एलिमेंट या जो जितना ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना हाई होगा, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है? या रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको कोई रिड्यूसिंग एलिमेंट चाहिए जो रिड्यूस कर पाए उस किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को, तो आप ऊपर से एलिमेंट उठाओ ताकि सामने वाले के चार्ज को वो खत्म कर पाए और उसको न्यूट्रल स्टेट में डाल पाए, मतलब उसके अंदर से एलिमेंट की जो भी हमारे पास जैसे सॉल्ट है, कोई सा भी आप रिएक्शन ले लो इसमें। अगर आप सोडियम Na2SO4 की रिएक्शन कर रहे हो तो Na2SO4 की रिएक्शन में अगर आप जैसे कैल्शियम से करोगे
इरेक्शन सीधे CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगी और Na यहाँ पर मिल जाएगा। अगर ये रिएक्शन आप Mg से करोगे तो आप इसमें से कुछ होनहार जरूर बताएंगे कि इस रिएक्शन कैसे होगी। Mg और Na2SO4 रिएक्शन होगी तो अरिजीत पहाड़िया क्या होगी रिएक्शन? सर Mg और Na2SO4 हाँ, तो रिएक्शन में MgSO4 बनना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि Mg ज्यादा रिएक्ट नहीं है। Mg तो चाहता है कि सामने वाला कोई सॉल्ट बनाए हमको, Na ज्यादा है वो अब हिलेगा नहीं। हाँ, तो Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब जैसे कई सी किसी भी रिएक्शन में आपको मैं दे दूँ तो आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जैसे MgSO4 है, इसमें आपको सोडियम की रिएक्शन करनी है, लिथियम की रिएक्शन करनी है, कॉपर की रिएक्शन करनी है, Ag की रिएक्शन करनी है, Au की रिएक्शन करनी है और पोटेशियम की रिएक्शन करनी है। कोई सारी रिएक्शन करके दिखाएगा सर? सर सर, पोटेशियम लिथियम और सोडियम से हो जाएगा, बाकी तीनों से नहीं होगा। सुद्रान शर्मा, यस सर। सर सबसे पहले MgSO4 Na से हो जाएगा, Li से हो जाएगा और K से हो जाएगा, उससे बनेगा NaSO4 plus MgLi। गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। जो एक बार गलत करता है उसको दोबारा मौका नहीं। अक्षत मिश्रा, कैन यू टेल? आदित्य अग्रवाल यस सर। Li2SO4 और Cu2SO4 कॉपर प्लस 1 कंसीडर करते हैं, प्लस 2 करते तो Cu2SO4 plus Mg, नहीं सॉरी सर, कॉपर तो करेगा ही नहीं, कॉपर करेगा ही नहीं। Li2SO4 कोई और बताएगा सर? मैं बताऊंगा। हां बताओ सर। सबसे पहले पोटेशियम कर देगा तो KSO4 बन जाएगा। गलत हो गया। फिर सब जैन, कैन यू टेल? सर हाँ सर, MgSO4 प्लस सर हम K2 ले लेंगे तो वो K2SO4 बन जाएगा। और सर फिर हम ले लेंगे पोटेशियम, अकेले लिखो, जरूरत नहीं K2A2 लेने की। अच्छा सर, सर वो सर प्रोडक्ट में K2SO4 बन जाएगा। रिएक्शन आप करोगे तो यहाँ बन जाएगा K2SO4। हाँ सर, क्योंकि सर SO4 का -2 है और केट को सर -2 लेना पड़ेगा तो वो K2 होगा। AU के साथ करोगे तो AU सर कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। Na-Ag के साथ करोगे तो सर कुछ नहीं होगा, के साथ में कुछ नहीं होगा सर। और Na2SO4 बन जाएगा बाद में, और सर लिथियम में भी Li2SO4। सीयू के साथ नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा। कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आता है। ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपने देखी होंगी। अगर आपको मैं बताऊं एक बात तो अपने इसमें अगर आप ध्यान से समझो ना तो आपने कई सारे रिएक्शन सीखी हैं। आप अगर इसमें देखो तो कम से कम 20 एलिमेंट तो हमने डी दिए हैं। अब 20 एलिमेंट के नीचे हर एक एलिमेंट के नीचे उससे लेस देन सॉल्ट है, मतलब उसके लेस देन सॉल्ट होगा ना। या 20 में यार 20 ए 20 में से कोई एक एलिमेंट उठा लो, एक एलिमेंट उठाया और बाकी 19 सॉल्ट बच गए, 19 के सॉल्ट बच गए और नंबर ऑफ सॉल्ट है। एक ही सॉल्ट अगर आप ले लो, क्लोरीन अकेले क्लोराइड अकेले का सॉल्ट ले लो तो एक एलिमेंट उठाओगे तो बाकी 19 सॉल्ट से आप रिएक्शन कर सकते हो और उनकी रिएक्शन होगी या नहीं आपको पता चल जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास 20-25 यहाँ पर एलिमेंट जरूर होंगे। तो आपने कम से कम 200-300 रिएक्शन तो सीख ही लिए हैं एटलीस्ट इस एक्टिविटी सीरीज की वजह से अभी तक। गलत बोल रहा हूँ सर? एक बात पूछनी है सर, रिएक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब यही है ना कि वो वाला मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे सकता है इलेक्ट्रॉन? हाँ ऑब्वियसली। ओके सर, और जो हमारे पास ऊपर एलिमेंट है उसके पास रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने कई सारी रिएक्शन सीखी क्योंकि अगर एक एलिमेंट ऊपर है बाकी उसके नीचे बहुत सारे एलिमेंट है उनके सॉल्ट से आप रिएक्शन करोगे आपको रिएक्शन पता रहेगी। अब नंबर ऑफ सॉल्ट, अगर एक एलिमेंट का आप 5 सॉल्ट भी बना सकते हो ना, सोडियम का बना सकते हो, Na2SO4, NaCl, Na3PO4, NaI, NaBr और NaNO3, कुछ भी सॉल्ट बना दो आप उसके 5 सॉल्ट तो बना ही सकते हो ना कम से कम। अगर आप एक एलिमेंट उठा रहे हो और बाकी एलिमेंट 19 बचते हैं और 19 एलिमेंट में के आप सबके 5-5 सॉल्ट बना के रिएक्शन करोगे और रिएक्शन करके आपको पता चलेगा कि आपने कई सारे रिएक्शन सीखी हैं। केवल एक एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपने 5-5 सॉल्ट बना के रिएक्शन करवाई ना तो 95 रिएक्शन होती है, करके देख लेना होती है या नहीं। तो कभी ट्राई नहीं किया, करेंगे। अरे यार सुनो बात, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ऊपर तक आपके पास अगर 20 एलिमेंट है मान लो, ठीक है, यहाँ पर टोटल काउंट करोगे अगर मान लो 20 एलिमेंट गिवन है,
कोई एक एलिमेंट उठाओ, मान लो हमने कोबाल्ट उठा लिया। अब कोबाल्ट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सी हो सकती है। अब मुझे सबके क्लोराइड्स अगर लेने हैं, सारे बचे हुए एलिमेंट के क्लोराइड्स लेने हैं, तो आप यहाँ पर NaCl डालो, फिर KCl डालो, फिर ऐसे डालते जाओ चले जाओ, तो जितने बचे ना सबके क्लोराइड डालो, तो कुछ के डिस्प्लेसमेंट होंगे, कुछ के डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे, लेकिन आपने नंबर ऑफ रिएक्शन सीखी ना। तो आप इसके रिएक्शन करके देखना, बाकी हम एक डीवीपी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप आओगे तो ऑफलाइन एक डीपी दे दूंगा उसको हार्ड कॉपी, बाकी हम पे भरोसा मत रखना, आप एक बार करने की कोशिश करना कि आप ट्राई करो रिएक्शन मेरी, खुद पे करना, मतलब अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप एक बार ट्राई करना। फिलहाल अगर एसिड के साथ अगर हम ऊपर वालों को रिएक्ट करेंगे तो वो डिस्प्लेस होंगे। डोंट बी स्मार्ट बेटा, लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस, ज्यादा नहीं बोलना है, मैं बताऊंगा चीजें, ठीक है? चलो, तो ये हमारी जैसे कि अब सॉल्ट हो गया, नीचे वाले सॉल्ट से हमने रिएक्शन कर दी। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखो, जैसे आपने एक क्लोराइड सॉल्ट लेना है, CU का सॉल्ट लोगे तो CuCl2 बन जाएगा, PB का सॉल्ट क्लोराइड लोगे तो PbCl2 बन जाएगा, और उसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का ले लोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, बनेगा। लेकिन ये सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है भैया, तो जैसे उसमें आपने डिस्प्लेस किया था, बाकी में डिस्प्लेसमेंट जैसे रिएक्शन देखी, वैसे हाइड्रोजन वाली भी रिएक्शन होगी, मतलब एसिड वाली भी रिएक्शन होगी, बस बात इतनी है कि आज सॉल्ट नहीं एसिड रिएक्शन करने आया है। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन के ऊपर वाला हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बाकी नीचे वाले नहीं करेंगे। रिएक्शन में सब कुछ थ्योरम कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है, बस बात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि आपने समझो कि अगर आपने सॉल्ट लिया है तो अगर सॉल्ट लिया तो कोई मेटल प्लस कोई एनायन लिया है, इसलिए सॉल्ट बना है। आज अगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल प्लस एनायन लिया है तो वो एक एसिड का एसिड शो कर रहा है, एसिड शो कर रहा है, तो एसिड में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चे कुछ रिएक्शन करके जरूर दिखाएंगे, तो मैं कुछ रिएक्शन देता हूँ, और CaNaMgCuAgPt, इन सभी में एक बार HNO3 की रिएक्शन करनी है, एक बार H3PO4 की करनी है, और एक बार H2SO4 की करनी है। मैं पूछूंगा, एक बच्चा बताएगा कोई, और आदित्य अगर बताएगा, HNO3 रिएक्शन सब में करके दिखाओ जल्दी से, HNO3 की रिएक्शन सबकी बताओ जल्दी, ऐसे देख के बताओ यार, क्या तुम नीचे कॉपी में ड्रॉ कर रहे हो यार। CaNO3 का होल ट्वाइस और NaNO3 और MgNO3 का होल ट्वाइस सर, हाइड्रोजन भैया। ये रिएक्शन जब होगी ना कैल्शियम प्लस HNO3 के बीच में, तो रिएक्शन में सबसे पहला प्रायोरिटी होगा CaNO3 का होल ट्वाइस, जो हमने बनाया है आज तक, जो हम करते आए हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो हमारा रिएक्शन करेगा एसिड मेटल के साथ। तो बताओ भैया पांचों रिएक्शन, छह रिएक्शन बताओ HNO3 के साथ, छह एलिमेंट की रिएक्शन बताओ। सर कॉपर और Ag और Pt तो करेंगे ही नहीं नीचे, Mg बनाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, Na बनाएगा NaNO3 plus H2, Ca बनाएगा CNO3 to होल ट्वाइस plus H2, लेकिन रिएक्शन ऊपर तीनों की होंगी, नीचे तीनों की नहीं होंगी। अब हम करते हैं H3PO4 की रिएक्शन, अर्श तिवारी कैन यू टेल H3PO4 plus Ca? हवा बाजी नहीं बेटा, ओके ओके, रुद्रान शर्मा कैन यू टेल? सबसे पहले होगा CaNa और Mg का तो हो जाएगा, CuAg और Pt का नहीं होगा, ये प्रोडक्ट बताओ प्रोडक्ट। ओके सर, सबसे पहले Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H, और उसके बाद होगा प्लस H या H2 सर, H2 सॉरी सर, सर उसके बाद Na3PO4 प्लस H2, फिर होगा Mg3 और PO4 ट्वाइस H प्लस H2। ओके, H2SO4 बताना, अरे H2SO4 वाली बताना। अर्श तिवारी तो नहीं बता पाएगा। अक्षत मिश्रा, यस सर। सर CA में सर CA में CuSO4 प्लस H2, फिर Na में Na2SO4, और फिर Mg में MgSO4, और फिर CuAg और Pt फॉर नो रिएक्शन। आदित्य अग्रवाल HNO3 के साथ, बाकी तो करवा ही लिया है ना सब, HNO3 वाली तो हो ही गई शायद। यस सर, बता दिया था। चलो, तो रिएक्शन हमें लगता है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी कर ली है, तो एसिड एसिड की रिएक्शन कर ली, सॉल्ट और डिस्प्लेसमेंट कर लिया,
तो सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट एसिड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, कर लोगे सारे के सारे? यार इस क्लास में बैठा हुआ क्या एक भी बच्चा ऐसा बोलता है इसमें से एक भी वर्ड उसको समझ, कोई भी ऐसा चीज रहा हो जो समझ नहीं आया? तो भैया प्लीज बताओ यार, क्योंकि तो आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं समझ जाऊंगा। बताओ यार, तन्वी जैन, व्हाट विल बी द रिएक्शन बिटवीन एजी एंड H2SO4? कैन यू टेल? सर देयर विल बी नो रिएक्शन। ओके, एंड एजी एंड HNO3? No, sir. So, AG is very less. Who is Pankhuri Sharma? Please on your video, please. Excuse me, sir. No, Pankhuri. Okay, so what is the reaction between Mg and S3PO4? Sir, मेरे को product बताना है या ये बताना है कि reaction होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट बताना है, रिएक्शन अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहां से बताओगे? रिएक्शन नहीं होगा तो बोलो रिएक्शन ही नहीं होगी। यस सर। बेटा प्लीज ऑन योर वीडियो आदित्य बघेल स्टफ है शुक्ला सर, मैं बाहर कर रहा हूं बेटा। एक्सक्यूज मी सर, स्टफ है शुक्ला, बाहर कर रहा हूं बेटा। यार तुम वीडियो ऑफ नहीं, ऑफ करके बैठते यार, तुम पता नहीं क्यों ऑफ करते हो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर। सर HNO3 में सर H को डिस्प्ले, सर H का 1 है सर, उसका निकाले तो, और सर CA का 2 होता है, तो सर हम इक्वेशन में लिखेंगे क्या प्रोडक्ट में CaNO3 या फिर C2NO? सर मतलब कैसे लिखेंगे? है रिएक्शन ही नहीं है क्या यार? नहीं सर, सर सर इसमें एक हम बताएंगे यार, अगर तो हमको ये मौका दो बताने का, हमने सोचा कुछ लोग कूद के बताएंगे इसलिए हम नहीं बता रहे थे। रुको हम बताते हैं CaNO3 का होल्ड वाइज, माइनस वन है या प्लस वन है तो CaNO3 का होल्ड वाइज होगा ना प्लस H2। क्या समस्या है यार, तुम ऐसे करोगे यार अब? सर नहीं सर, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, CA का लेना है या उसका सर, इसलिए NaNO3 प्लस H2, Mg का करो MgNO3 का होल्ड वाइज प्लस H2। कुछ बनेगा नहीं, इनका बनेगा। तो हमें लगता है कि बाकी बच्चों को समझ में आया है यार, कोई समस्या है तो बताओ अभी। नो सर, नहीं सर। बेटा यही तो एक चैप्टर है यार जिसमें हम, यार जिसमें हम जीतने की कगार पे होते हैं कि हर किसी में H2 निकालना है, H2 निकालना है, और इतनी इजी चीज में अगर तुमको नहीं आया तो फिर तो तुमको केमिस्ट्री क्या ही है। मैंने तो इसी में तो नंबर बनाया यार अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े क्वेश्चन किए, कॉपर डालो, ये डालो, वो डालो, ऐसा करो वैसा करो। आदित्य अग्रवाल 8 में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना? यस सर, बहुत हो गए डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट में तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, भर भर के हो गए। और तुम यार जहां नंबर बनाना है वहां बना नहीं रहे हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, यहां वहां मोल कॉन्सेप्ट घूम घूम के पढ़ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मेटल के एक्शन कैसे होते हैं। तो एसिड पे अगर, हाँ अब इसी में आपने देखा होगा कि एसिड का हमने एक्शन बता दिया, रिएक्टिविटी सीरीज के साथ साथ हमने एसिड का एक्शन बता दिया कि एसिड प्लस मेटल, पहला बता देता हूं एसिड प्लस मेटल। देखो भैया ध्यान से देखना हमारी बात को, वही चीज हमने बोली जब अभी मैं कर रहा था। तो मेटल हमने लिया था सोडियम और हमने लिया था HCl, एक एसिड लिया था और रिएक्शन करी थी तो NaCl बना था और प्लस H2 गैस रिलीज हुई थी। ऐसे हर किसी में होता है कि मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो मेटल क्लोराइड प्लस H2 बनता है, बसरते बात इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा जो मेटल है वो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, राइट? यस सर, यस सर। तो जो हमारा मेटल है वो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या फिर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर लाई कर रहा है तो वो तुरंत मेटल अटैच होगा और एक सॉल्ट बनाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, राइट? यस। चलो तो इस क्लास में कोई एक बच्चा हमें बताएगा, रुको मैं बताता हूँ कौन बताएगा। कुणाल मैदान, व्हाट विल बी द रिएक्शन बिटवीन एमजी प्लस H3PO4? कुणाल मैदान, प्रभति गुप्ता, प्रबल सिंह, यार तुम्हें बाहर कर दूं क्या तुम लोगों को? सौम्या सिंह कुशवाहा,
क्या चाहते हो यार क्लास में? क्लास एट के बच्चे भी वीडियो ऑन करके बैठते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम लोग। सबके शुक्ला रोते रह जाओगे फिर बाद में, मत कहना कि मुझे अंदर नहीं कर रहे, क्लास में नहीं बुला रहे, तो परेशान मत करो मेरे को यार। सर वीडियो तो चालू है मेरी। नहीं चालू है, अभी तुम चालू करके बैठे हो। सर चालू है। नहीं चालू, चलो कोई बात नहीं। तो कुणाल बाजार नहीं बता पाओगे, मतलब इस क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं। क्या क्वेश्चन? तुम सो रहे थे क्या अभी तक? कोई अदिति भरोरिया सर एक बार क्वेश्चन बता दो। बेटा छोड़ो, म्यूट करो। अदिति भरोरिया कौन है? यस सर। हां बोलो, एमजी प्लस 3PO4 क्या बनेगा? एमजी 3PO4 का होल प्राइस। ओके तुरंत रुकना, एक मिनट रुकना, हम और कुछ मिसाल पेश कर रहे हैं, एक मिनट रुको। H2SO4 प्लस एमजी अब क्या बनेगा? यस सर, MgSO4 प्लस H2। Mg प्लस HI अब क्या बनेगा? MgI प्लस H। गलत हो गया बेटा। सर अब मैं बताऊं? जयदीप सिंह से करवा। Mg की रिएक्शन करना HBr के साथ, क्या बनेगा? सर MgBr प्लस H2। गलत हो गया। सर मैं बताऊं? नहीं यार, मैं बोल रहा हूं ना अभिषेक गौर, Mg प्लस अगर ये रिएक्शन इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा बता दे Mg प्लस H3BO3, तुम समझ जाएंगे कि यार इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बताओ तुम कोई भी। सर Mg3 क्या तुम सर तुम कुछ ऑफर करें तो बताओ। सर Mg3BO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 Mg3 मोनो बेसिक एसिड है या डाई बेसिक एसिड है या ट्राई बेसिक एसिड है? ट्राई बेसिक। सर मैं बताऊं? सर क्या यार, जब तुम्हें हम बुला बुला के आए जिसो की क्लास देते रहे ऑफलाइन, तो इसमें एक दिन हम बताया है ये बात कि यार जो H3BO3 होता है ना वो मोनोबेसिक एसिड की तरह से बिहेव करता है। तो एक ही हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो भैया H2BO3 तो बच रहा है ना, H2BO3 माइनस तो बच रहा है ना, तो Mg अगर बढ़ाएगा अपने आप को तो प्लस प्लस में जाएगा, और H2BO3 माइनस अगर माइनस में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्वाइस होगा, प्लस H2 गैस रिलीज होगी। कुछ गलत हो गया क्या हमसे? समझ में आया? सर समझ में आया, लेकिन सर जब स्ट्रक्चर बैठाने बैठे ना तो सब वही बन जाता है OH OH बनेगा, लेकिन वो मोनोबेसिक एसिड होता है, वो एक ही हाइड्रोजन रिलीज करता है। दूसरी बात ये है, अगर आप OH का अगर निकालते चले जाओगे ना, पता लगा थोड़ी देर बाद तीनों OH भाग जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? बी को बी ट्रिपल प्लस तीनों OH भाग रहे थे तो फिर, और एक वो मोनोबेसिक एसिड होता है। अगर मैं ठीक है, अभी कुछ बच्चे अगर बहुत समझदार हो ही चुके हैं तो एक रिएक्शन और मैं दे देता हूं उनको, Al प्लस H3PO3।
नहीं कर पाए तो बस हो गया सर, बताओ क्या स्ट्रक्चर है, ये बताओ मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है? सर डाई बेसिक। डाई बेसिक है तो क्या करेगा? तो सर Al2HPO3- के ऊपर थ्राइस, मतलब फिर थ्राइस हो जाएगा। कोई और बताएगा? सर AlH2PO3 का होल थ्राइस प्लस H2। कोई और? अच्छा दूसरा बताएगा, बताओ बेटा बताओ। सर AlH2PO3 का होल थ्राइस। कोई और? दिव्यांशु शर्मा। अंकुरी शर्मा। सर AlPO3 का होल थ्राइस। अरजीत पहाड़िया। यार तुम में टॉपर बदल गए, मतलब नई नई बातें हो रही हैं रेड ऑन में, मैं तो देख के दंग रह गया। उसके बाद भी नए नए टॉपर है, मतलब हर कोई मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी हमें ये एक्टिविटी पता नहीं क्या देखने को मिल रही है। क्या सर क्या हो गया सर? रिएक्शन बताओ, ये वाला AlPO3 सर AlPO3 होगा। पतला वाला है सर, मैंने सही बोला था। हाँ तुम्हारा सही था बेटा, जब डाई बेसिक एसिड है तो दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो HPO3- बनाएगा। अगर HPO3- बनाएगा तो क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज आएगा।